बेरोजगार है जो एक कम पूंजी में एक अच्छा सेटअप बनाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ सर ने जाली लगाई हुई है, सरकारी मुर्गी का सेटअप बनाया हुआ है, दो सेटअप बना रखे, एक तो ये है और एक मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, दो सेटअप बनाए हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। तो सर किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा पहले परिचय दीजिए। जी मेरा नाम राम अवतार है, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ और अपना खाली समय को उपयोग में लाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। मैं 6 महीने से जो है ये हर एक का यूट्यूब देख रहा था, आपका भी देखा, आप भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और मैं आपके माध्यम से ये कहना है कि मैंने अपना कम पूंजी में अपने काम को शुरू करना था जो मैंने किया, क्योंकि मेरे पास अपनी जमीन नहीं है खेती की, तो अपने छत पर मैंने इसको कवर करके मैंने अपना शुरुआत की और कुछ सीखा है मैंने, कुछ नुकसान भी उठाया है तो सीखने को भी मिलता है। अब फिर मार्च के महीने अब होली जो आएगी उस मंथ में मैं फिर दोबारा से करनाल से बच्चे ला करके ब्लैक स्टॉल ऑफ RIR ये फिर दोबारा से मैं चिक्स ला के डालूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। तो सर आपका जो सेटअप है बहुत अच्छा सेटअप है, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, सफाई वगैरह काफी अच्छी है जी। तो सर पहले तो ये बताइए आपने जो कौन कौन सी ब्रीड पाली हुई है सर आपने फिलहाल? हाँ मैंने ब्लैक स्टॉल ऑफ रखी हुई है, RIR रखी हुई है, कड़कनाथ रखी हुई है और सोनाली ब्रीड रखी हुई है जो मुर्गी देसी होती हैं, बर्ड्स मुर्गियां गांव की जो देसी मुर्गियां होती हैं वो मैं झारखंड से मंगवाई थी मैंने छत्तीसगढ़ से, और जो सोनाली क्वीन कहा जाता है सोनाली की उससे मैंने मंगवाए थे उत्तम एग्रो फार्म से जी। हाँ तो सर आपका जो सेटअप है बहुत अच्छा है, तो आपने सर कितने चिक्स मंगवाए थे इनके शुरू में? हाँ मैंने 500 ऊपर के मंगाए थे, 500 ही नीचे के मंगाए थे, 1000 चिक्स मैंने मंगाए थे। 1000 चिक्स से आपने शुरुआत की थी? शुरुआत करी। जब शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में आपको क्या क्या कठिनाई मिली, क्या क्या इसमें रखा जाता है, कितना ब्रीडिंग टेम्परेचर होना चाहिए, सर इसमें किसान भाई को थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए ब्रूडिंग के लिए आपको जो है टेम्परेचर का जो मैं यही खेल है, जैसे अब सर्दी का मौसम है इस वक्त तो आप चिक्स ना डालें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन डालें तो आप होली के आसपास डालें। सबसे अच्छा सर जैसे हाँ, आपने इसकी बात बताई है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है सर बच्चे हाँ, डालने का? सबसे बढ़िया टाइम हो आप होली के बाद जो है डाल दीजिए बच्चे, मार्च अप्रैल मार्च में डाल दीजिए लास्ट में। हाँ जी हाँ जी डाल दीजिए बच्चे, उसके बाद ये है कि आपके सितंबर अक्टूबर तक अपना तैयार हो जाएंगे मुर्गियां अंडा देने के लिए। 6 महीना उनसे अंडा खाइए, अपना लीजिए बेचिए और अपने आराम से सेल हो जाता है, थोड़ी पब्लिसिटी करिए और एडवर्टाइजमेंट करवाइए, घर से आपसे मुर्गे भी ले जाएंगे, मुर्गियां भी ले जाएंगे, कोई पालने के लिए, कोई कटिंग के लिए, कोई अंडे चाहिए तो अंडे भी लोग ले जाएंगे यहीं से आसपास से, जिसको पता लग जाएगा हमें यहाँ पे मुर्गियां पलती हैं देसी है। बड़ा ही डिमांड है सर्दियों में तो बहुत ज्यादा है, मिलता ही नहीं प्योर देसी चीज कहाँ मिलती है जी। गांव देहात में तो क्यों ना मिल जाए, तो वो भी बुकिंग में भैया आपके देवे तो मुझे दे देना, गांव में तो ऐसे करके रखते हैं। आपने ब्रीड रखी है सर, ये एक अंडा पर्पस से वीट पर्पस दोनों चीज से तो बहुत अच्छा सेटअप है सर। तो जैसे इसे रख रखाव क्या रखा जाता है आपको, जैसे इतने दिन हो गए सर आपको, अभी तक कौन कौन सी परेशानी आई इसमें? थोड़ा परेशानियां बरसात के सीजन में आई थी, बारिश का सीजन था तो मेरा जो छप्पर है जी, एक बल्ली हट जाने से वो वहां पानी में, यहाँ रहता तो हूँ नहीं, मैं रहता हूँ राजनगर एक्सटेंशन, तो पानी भर गया था तो मुर्गियां भीग गई थी, तो CID की थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, फिर मैंने दवाई पानी अपना दी और सब ठीक ठाक हो गई। यही है अब सर्दी है, सर्दी के सीजन भी ये ऐसा है, इसमें भी जैसा मैं सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, नजला हो गया, ये सब चीजें हैं। अभी मैंने आज काढ़ा बना करके दिया है, जैसे अदरक है, लहसुन है और आपका हल्दी है और आपका लौंग है और आपका अजवाइन है और गुड़, ये उसका मैंने भगोने में उबाला और मिक्सी में पहले पीसा उनको सबको और उसके बाद गुड़ डाल करके मैंने भगोने में उसका काढ़ा तैयार करा है, लहसुन अदरक प्याज और हल्दी अजवाइन लौंग ये सब तरीके से आप इधर काढ़ा दे रहे थे, आज ही बना करके देखा, आप दिखाएंगे डब्बे के अंदर भरे हुआ मेरा पानी ऊपर भी नीचे भी जी जी। तो इनसे जैसे हम लोग देसी वो आयुर्वेदिक चीज है, ये सबसे बड़ा ज्यादा फायदेमंद है जी। हाँ जी इस तो जैसे आपका सर ये सेटअप है, इसके स्ट्रक्चर में आपका कितने रुपए का खर्चा आया था सर बनाने में? ये लगभग मेरा 18,000 के करीब का आ गया था मेरा खर्चा अपना। कितनी कैपेसिटी का है 18,000 में सर स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ? मेरे लगा लीजिए 500 बच्चे मैंने ऊपर डाले थे चिक्स, 1000 बच्चों का है सर ये? हाँ जी हाँ जी 1000 का जी, मेरा 150 गज का मकान है पूरा जी जी। तो 1000 का सेटअप आपको बन के तैयार हो गया? तैयार हो गया जी जी। तो क्या कहना चाहोगे जो हमारे युवा किसान है या युवा है, इन्हें एक ऐसा सेटअप बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो इसका जैसे बहुत सारे युवा आजकल बेरोजगार है जैसे, तो आप जैसा सेटअप आपने जैसे सेटअप बनाया कम जगह में सर दी, और कम पूंजी में अपना सेटअप बनाकर स्टार्ट कर दिया और अच्छा एक इनकम जनरेट कर रहे हो,
इन्हें क्या कहना चाहोगे सर युवा? मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि भाई देखो, अगर आपके पास काम कहीं कर रहे हैं छोटा मोटा, भाई कोई आदमी 8,000 की तनख्वाह में काम कर रहा है, कहीं 10,000-12,000 मिल रहे हैं उसे, तो अपने कम पूंजी में बच्चे लेके डाले और उसको तैयार करे, ब्रूडिंग की तैयारी अपने बच्चे की जो है, या तैयार मुर्गी चाहिए तैयार मुर्गी मुझसे ले जाओ, मैं देने को तैयार हूँ, और किसी को पली पलाई को तो तैयार है बिल्कुल ले जाओ, और नहीं तो बच्चे चाहिए मैं बच्चे भी दे दूंगा चिक्स गर्मियों में जो है मार्च में जब मैं डालूंगा, आप जब भी चाहिए और मैं उपलब्ध करा दूंगा बच्चे भी चिक्स वगैरह भी, और अपना ब्रूडिंग करिए उसके बाद उनको पालिए, जैसे भी कोई मुझे हेल्प होगी मैं उनको तैयार हूँ करने के लिए। दिन में अपनी नौकरी करिए और 2 घंटा सुबह दे दीजिए, 2 घंटा शाम को दे दीजिए, दाना पानी दे करके अपने छुट्टी ड्यूटी चले जाइए, ये भी काम आपका चलता रहेगा, वो भी काम चलता रहेगा, बस। तो दोनों चीज से इनकम हो जाएगी, बिल्कुल दोनों चीज से इनकम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही सर ने, जैसे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम लगाकर बस इसे मैनेज कर सकता है, कर सकता है। तो सर जानकारी, जैसे किसी किसान को जानकारी नहीं होती, जब वो अपना नुकसान उठा लेता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए किसान भाई को? हाँ देखो, जानकारी तो पहले करनी चाहिए, अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो पहले जानकारी करो सर। जानकारी के लिए क्या करें, ट्रेनिंग ले सर क्या करें, यूट्यूब देख के क्या करें सर? थोड़ा यूट्यूब देख करके ही अपने नोट करता रहे कि भाई वैक्सीन वगैरह की कब कौन कौन से पीरियड की, क्योंकि यूट्यूब पे सारी जानकारी दी जाती है कि भी कब कब वैक्सीन दी जाती है, जब ब्रूडिंग पीरियड होता है और बड़े होने तक क्या क्या इनको कैसे कैसे रख रखाव का सब पूरे यूट्यूब पे पूरा आपको मिल जाएगा। मैंने भी खुद यूट्यूब पे ही पूरी जानकारी, मेडिसिन से लेके सारी दवाइयों से इनको कब कब कैसे क्या देना है सब जानकारी मिल जाती है सर। मैंने भी 6 महीना यूट्यूब देखा, इसके बाद ये काम करा है जी। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी, ही एंड करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपका भी। और एक बार सर नंबर और बता दीजिए, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे सब्सक्राइबर आपको बात करना चाहते हैं, आसपास के इलाके कोई आपसे यहाँ संपर्क करना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है, तो अपना पहले तो एड्रेस और नंबर बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम राम अवतार है, मुझे बंबई वालों के नाम से ज्यादा जानते हैं, नाम से कम जानते हैं। किसी से भी अगर मेरा मकान का एड्रेस पूछेंगे मेरे ठोड पर आकर के कि भी बंबई वालों के मकान पे जा रहे, कोई भी बता देगा जी 3 नंबर गली है। मेरे मकान का नंबर है 217 और गली नंबर 3 स्वामी बालनाथ आश्रम के ठीक सामने वाली गली नंबर 3 कहलाती है। कॉलोनी का नाम सेवानगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर है मेरा 93-15-73-13-75। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 93-15-73-13-75। तो धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आने पे, पधारने पे।